नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी जर्नल रिवर्स एंट्रियां करनी होती है, ताकि जो हमारा कैपिटल अकाउंट्स है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, वो हमारी CA सर्टिफाइड जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके साथ हमारा बैलेंस है जो मैच हो जाए। तो दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे भी हमें इंश्योरेंस की एंट्री तो पास कर दी, उस इंश्योरेंस की अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, या हमारी बुक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसे हम कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, ड्राइंग्स के अमाउंट को हम किस तरीके से कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर एडवांस टैक्स हमने जो डिपॉजिट करवाया है उसको हम किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारी रिवर्स एंट्री होती है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या आप किसी कंपनी की फर्स्ट टाइम टैक्स ऑडिट करवा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल और काम की रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हमें कैपिटल अकाउंट्स की जो रिवर्स एंट्रियां करनी होती है उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट में और Alt+F1 के साथ डिटेल के साथ ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हम अमूमन कैपिटल अकाउंट में कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन हम करते हैं। जो कैपिटल होता है यानी कि जो फर्म का मालिक होता है उसके नाम से हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में कैपिटल से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उन सभी का लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट रखते हुए। जैसा कि एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाया है कैपिटल अकाउंट में रख दिया, ड्राइंग्स यानी कि उसका जो घर खर्च है पर्सनली उसके लिए हमने ड्राइंग्स का लेजर क्रिएट कर दिया अंडर में कैपिटल अकाउंट रखते हुए, या अगर उसके पास कोई इनकम टैक्स का कोई रिफंड आया है तो उसकी रिवर्स एंट्री हमें कर देते पास कर देते हैं और इनकम टैक्स का हम रिफंड का एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम एंट्रियां कर देते हैं। तो उसके बाद में जब हमें टैक्स ऑडिट करवानी होती है तो हमें एक स्पेशल, अगर आपके पास कैपिटल अकाउंट में कुछ ज़्यादा डाटा होता है तो हमें एक अलग से सेपरेट एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल में। तो आप देख रहे हो सेम वही पोजिशन हमने यहाँ पर भी बनाई है, जैसा कि हमारा ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद में जो करंट फाइनेंशियल ईयर जैसे कि हमारा चल रहा है, अब जैसे कि हमारी जो टैक्स ऑडिट चल रही है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, तो जो 2021 के अंदर जो हमारा कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हमने करी है वो हमने कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हो इनकम टैक्स का रिफंड आया, उसके ट्रांजैक्शन हमने 5000 की कर ली, इंटरेस्ट हमें मिला है रिफंड के साथ, क्योंकि रिफंड लेट मिला तो इंटरेस्ट भी हमें मिलते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट हमारा है तो उसको भी हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक से हमें मिला हुआ है उसको भी हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेज करते हो सेविंग अकाउंट के बैलेंस को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको कैपिटल में लेके जाते हो तब आप इसके रिवर्स एंट्री करनी होती है। और उसी के बाद में फाइनल आता है इंपॉर्टेंट, वो है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि हमने इस साल में नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ है। तो दोस्तों, जो फाइनल हमारे पास बैलेंस बच जाता है उसके बाद हमारी जो ड्राइंग्स है, एडवांस टैक्स है, या जो भी हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, या इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है कैपिटल से रिलेटेड वो हम इस साइड में रखते हैं। तो उसके बाद में टोटल हमारी क्रेडिट से डेबिट साइड हम माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बैलेंस शीट में। तो दोस्तों, हम जब बैलेंस शीट पर जाते हैं तो हमारे पास केवल हमें कैपिटल अकाउंट की एक फाइनल फिगर ही हमें दिखती है, जो हमारी टोटल नेट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट में से डेबिट को लेस करने के बाद में। तो दोस्तों, सेम यही बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर किस तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एंट्री तो हमने कर दी लेकिन इसका बैलेंस हमें हमारी CA सर्टिफाइड बैलेंस शीट के साथ भी मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, अब आप देखोगे ये सब ट्रांजेक्शन हमने कैपिटल अकाउंट में कर रखी है, ऑलरेडी हमारा जो बैलेंस है वो प्लस माइनस होके यहाँ पे नेट आ रहा है, तो हमें रिवर्स एंट्री करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, जरूरत आपको तब पड़ती है, अब जैसा कि ये लेज़र हमने क्रिएट किया है, अब मान लीजिए जैसा कि 15000 रुपये की ड्राइंग्स की एक मैंने फॉर एग्जाम्पल एंट्री करी है, आपकी ड्राइंग्स ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, जैसा कि मैंने एक ये ट्रांजेक्शन कर दी। अगर हम जैसे ही ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ये क्लोज होएगा 31 मार्च को, तो जैसे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, अगर हमने इन सभी कैपिटल अकाउंट की एंट्रियों को रिवर्स नहीं किया कैपिटल अकाउंट में, तो इन सभी का ओपनिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ट्रांसफर हो जाएगा।
हम करके देखते हैं। तो जैसा कि हम जाते हैं इस पर एल्ट एफ टू हम प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए और फाइनेंशियली हम चेंज कर देंगे 1/4/22 से लेके और 31/3/23 तक। बैलेंस शीट पे जाएंगे तो जैसे हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आपका जो कैपिटल बैलेंस है वो कैपिटल बैलेंस आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था 731,597.19 रुपये, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ और ही आ रहा है क्योंकि ये हमने रिवर्स एंट्री नहीं करी। तो जैसे हम इनकी लेजर स्टेटमेंट देखेंगे तो सभी का ओपनिंग बैलेंस भी आपको दिखाएगा अकाउंट्स बुक पे जाके लेजर पे जाके, और ड्राइंग्स का लेजर हमने क्रिएट किया तो आप देखोगे इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जबकि ये ओपनिंग बैलेंस हमारा आना नहीं चाहिए। तो हमें रिवर्स एंट्रियाँ करनी पड़ती है, अभी सारा का सारा बैलेंस हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो वापस हम चलते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 21/22 में, तो एल्ट एफ टू करेंगे 1/4/21 और 31/3/22। तो अब हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, तो जो भी लेजर हमारे पास हैं वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन हम इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बारी बारी से। तो आप चाहो तो आपके पास है तो आप इसको एक सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको अलग अलग सेपरेट जनरल एंट्री करके भी पास कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तभी आप प्रॉपर इस प्रोसेस को समझ पाओगे। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, वाउचर पे हम जाएंगे और ये आपको जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, अब जैसा कि हमारे पास ये तो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारे पास जो चल रहा है वो 21/22 का चल रहा है, लेकिन अभी आप जो टैक्स ऑडिट करा रहे हो फाइनेंशियल ईयर 20/21 की करा रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स एंट्री किस तरीके से करनी है वो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो जर्नल एंट्री पे जाएंगे, अब जर्नल एंट्री में जो भी लेजर आपके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं उसको तो आपको करना होगा डेबिट, और जो डेबिट साइड में आ रहे हैं उसको हम करना होगा क्रेडिट। तो आप देख रहे हो ये जो साइड है हमारी ये एक तरीके की क्रेडिट साइड आ गई, और इन सभी बैलेंस को हम करेंगे डेबिट। तो जैसा सबसे पहला हमारे पास आ रहा है इनकम टैक्स रिफंड, तो इसकी एक लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है ये, और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है तो हम इसको 5,000 रुपये से करेंगे डेबिट। और उसके बाद में नेक्स्ट लेजर हमारे पास इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड, तो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड 200 रुपये इसको हम डेबिट करेंगे तो आप साथ के साथ इसके जो बैलेंस है वो नील होते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ तो 510 रुपये ये भी डेबिट हो जाएंगे, और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जो बैलेंस है वो 480 रुपये, और इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट है 17,411 रुपये उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमारा कैपिटल के नाम से जो लेजर हमने क्रिएट कर रखा है मोन सुथार के नाम से उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो ये तो थी जो लेजर हमारे पास क्रेडिट थे उन सभी को डेबिट कर दिया, अब उसके बाद जो डेबिट है उन सबको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब इसके बाद में हम वापस अब कैपिटल को वापस हम डेबिट करेंगे, तो कैपिटल में जो हमारे पास जो अमाउंट है इन सभी का हम टोटल कर लेंगे, ये जो अमाउंट हमारे पास आ रही है तो 15,000 और 10,000 25 और एक टोटल 26,000 रुपये, तो इसको 26,000 के साथ हम डेबिट करेंगे। उसके बाद में ड्राइंग्स के लेज़र को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे 15,000 रुपये से, और वापस फिर क्रेडिट करेंगे एडवांस टैक्स को, एडवांस टैक्स 1,000, इसी तरीके से आपकी जो इंश्योरेंस है LIC इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस आपकी किसी की भी हो सकती है, और इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे ही हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो एल्ट एफ वन की डिटेल के साथ देखेंगे तो अब ये जो पहले हमारे पास लेज़र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे विद अमाउंट के साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सभी के अमाउंट बैलेंस है जो जीरो हो चुका है, वो सारा का सारा आपका जो पैसा है जो अमाउंट है वो इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब आप देख रहे हो इसका जो फाइनल बैलेंस है वो 731,597.19 रुपये हो गया है, जो कि हमारे इस सर्टिफाइड बैलेंस शीट के साथ भी मैच करेगा, क्योंकि अब अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे तो हमारा जो कैपिटल का जो नेट बैलेंस है वो हमें 731,000 ही ये शो करेगा, और एक्चुअल में हमारे पास यही जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका करंट पीरियड का जो बैलेंस है वो 17,411 का है, और ये सारा का सारा हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब हम कैपिटल अकाउंट के लेजर को ओपन करेंगे तो डिटेल के साथ देखेंगे सारा कुछ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो भी ये हमारा था ओपनिंग बैलेंस 733,996.19 का, और ये हमारे पास एक्सेल में भी है, ये आप देख सकते हो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। और उसके बाद में जो हमारे पास क्रेडिट थे वो सभी को हमने
यहाँ पर क्रेडिट भी कर दिया और जो डेबिट थे उस सभी को डेबिट करके जो हमारे पास फाइनल बैलेंस है वो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों अब बात रही इंश्योरेंस की, अगर आपने कैपिटल अकाउंट है जो प्रोपराइटर है फर्म का उसका अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसको हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग्स में। तो अगर आप चाहते हो भी डायरेक्ट आप इसको अलग लेजर ना क्रिएट करके डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में ही इसकी एंट्री ट्रांसफर करते हो तो भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा भी आप इसके प्रॉपर अलग अलग लेजर हम मेंटेन करें ताकि हमें बाद में इसके डाटा को कैपिटल अकाउंट को रिकंसल करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमें एक एक एंट्री सीए को भी क्लियर हो जाए, प्रोफेशनल एडवोकेट को भी क्लियर हो जाए और एक अकाउंटेंट को भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसके लिए बेटर रहेगा हमें अलग अलग लेजर क्रिएट करने चाहिए और बाद में हम फाइनल को जब हमारी ऑडिट होती है तो उस दौरान हम सभी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि इसका कोई आपके इस टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल आपका जो पहले था उतना का उतना ही रहना है, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो एक सिंगल अमाउंट के साथ आपको शो करेगा। अब जैसे हम फाइनेंशियल ईयर इसका चेंज करेंगे एलटेप 2 के साथ में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट में केवल एक ही ये फिगर ओपनिंग के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि इस साल का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन थी उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखेगा, हालांकि लेजर आपके सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जैसा कि ड्राइंग है, तो ड्राइंग्स में आप देख रहे हो कोई ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी रिवर्स एंट्री हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड वो हम जर्नल एंट्री वाउचर में पास कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से के जरूर जाना।